नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां प्रदेश भर में रूरल इलाकों में विकास का दावा करने वाले प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन वर्तमान देहात इलाके में विकास कार्य नहीं दिखाई दिए हैं। आज हमारी टीम इसी चीज को परखने के लिए किला रोड स्थित वार्ड 27 के नगला साहू गांव पहुंची। यह हमारी मुलाकात सपा प्रत्याशी हाजी जुल्फी से हुई है। हाजी जुल्फी ने इस इलाके की स्थिति को बद से बदतर बताया। उनका कहना है कि इस इलाके को जानबूझकर विकास कार्यों से वंचित रखा गया है। इस इलाके में दूसरी पार्टियों के नेताओं ने विकास कार्य नहीं कराए हैं। ऐसे में हाजी जुल्फी मैदान में उतर कर आ गए हैं और उनका कहना है कि इस बार अगर उनको विजय प्राप्त होती है तो वह इस इलाके की काया को पलट कर रख देंगे। आपको बता दें कि हाजी जुल्फी का परिवार शाहिद मंजूर का करीबी माना जाता है। हालांकि हैरत की बात तो यह है कि इस गांव में आज भी सड़कों की हालत बद से बदतर है। नालियां उखड़ चुकी हैं और सड़कें तालाब बन चुकी हैं। जी हां, लेकिन यहां से ग्राम प्रधान अनवर और जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र और भाजपा के विधायक सतवीर त्यागी हैं। वार्ड 27 में करीब 17 गांव आते हैं, लेकिन इन गाँव में ज़्यादा बेहतर काम नहीं हो पाया है। गाँव के लोगों का और प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 27 के ग्राम नंगला में। हम बता रहे थे पहले भी कि किस तरीके से चुनाव का बिगुल बजा है, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है गांवों की, किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं आप देखेंगे तस्वीरों में। यहां आप ये देखेंगे, इस गांव का मुख्य मार्ग है, कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ से वहाँ तक दिखाएं किस तरीके से जो यहाँ लोग हैं इस समस्या से दो चार होते हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो ये रिक्शा लेकर व्यक्ति आ रहा है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन उसी के बीच में इस तरह की समस्या भी सामने आती है। और ये समस्या किसी और के माध्यम से क्रिएट नहीं होती है, जो स्थानीय नेता होते हैं वो काम नहीं करते हैं, फंड रिलीज हो जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी ही रहती है। हालांकि अब चुनाव चला है और नेताओं ने वादे और दावे करने शुरू कर दिए हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि वह विकास कार्य कराएंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज़ाद भारत में आज भी लोग इस समस्या से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। ऐसा लगता है देख करके, काफ़ी समय से ये जो स्थिति है बनी हुई है। मेरे पास यहाँ तमाम जो स्थानीय लोग हैं मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए ये कब से समस्या बनी? यहाँ ये जरा बेटा, पढ़ाई करते हो? समस्या कब से है ऐसी? काफ़ी टाइम से हो रही है, 2-3 साल हो गए इसमें। कोई सुनता नहीं यहाँ पे? कोई नहीं सुनता यहाँ पे। क्या कभी शिकायत की किसी ने इसकी? बहुत की है, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। क्या आप ये बताइए ये जो स्थिति बनी हुई है कब से ऐसी? ये हो गए सर 4-5 साल हो गए स्थिति को बने हुए। ये लालपुर सजातपुर नवीपुर का संपर्क मार्ग है, जो भी जाते हैं बेचारे परेशान है, गाली देते हैं। तो ये देख, कोई विधायक आवा है कोई नहीं देखता है, या तो घनी खराब स्थिति हो रही है। अच्छा ये बताइए आप यहाँ ये जरा, यहाँ पर विधायक कौन है और जो जिला पंचायत रहे हैं वो कौन है, प्रधान कौन है? क्या ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है और क्या इनकी शिकायत नहीं की, ये बनवाया नहीं कभी किसी ने? नहीं जी, ये जो स्थिति है देखो 5 साल हो गए लगभग इस स्थिति को, लोगों को इस बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं लोग। आसपास के गाँव का अब जो बाईपास है गाँव का, ये जो मौजूदा यहाँ जिला पंचायत है इस वार्ड से, वो जीतू है नबीपुर के, उन्होंने यहाँ कोई भी 1 रुपये का भी काम नहीं कराया है। लोगों ने कही भी है मगर किसी ने किसी की सुनी नहीं है। वर्तमान में जो प्रधान थे उन्होंने, उनसे भी लोगों ने कही है गाँव में के लोगों ने जाकर, पर उन्होंने भी कोई बात किसी की नहीं सुनी। विधायक तो यहाँ आते भी नहीं, गाँव देखते, उन्हें गाँव के रास्तों का क्या पता। अगर विधायक यहाँ को निकले तो उन्हें पता चले कि लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो हालात यही है, जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ यही कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ नहीं आते हैं और इसी वजह से हालात यहाँ बद से बदतर बने हुए हैं, लोग यहाँ निकल नहीं पाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब तक ये विकास कार्य क्यों नहीं हुए हैं? देखना ये भी होगा कि जो अब आने वाला कैंडिडेट होगा जो यहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्या वह इन समस्याओं को दूर कर पाएगा या नहीं। जिला पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में आ चुके हैं और अपनी ताकत के साथ लगे हुए हैं। ऐसे में इस वक्त न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची है वार्ड 27 में। यहाँ जो सपा समर्थित प्रत्याशी हैं हाजी जुल्फी मेरे साथ मौजूद है। हालांकि यहाँ के कामकाज की बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले इनकी प्राथमिकताएं पूछ ली जाती हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, सपा समर्पित प्रत्याशी हैं और जो कैबिनेट मंत्री रहे उनके करीबी आप माने जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या काम करना चाहेंगे सबसे पहले? बड़ी प्राथमिकता है विकास की, सबसे विकास। अब तुम देखे आए होगे पानी भरा हुआ, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पानी की निकासी नहीं है, सबसे पहले तो मैं उसे कम करूँ। इंशाल्लाह मुझे अगर लड़ना कामयाब करा तो विकास करना मुझे और कुछ नहीं करना। हर एक गरीब आदमियों को जो है, एक हमारे गांव में जाके देखो तुम, बेचारा पन्नी में पड़ा,
आवास की वजह से, आवास पे इस पर मैं ध्यान दूँ। जाके देख कहीं, अभी एक कल उसका मर्डर, वो बेचारा मौत हो गई, और मौत होगी, बच्चे छोटे छोटे पन्नी में पड़ी है बेचारी, बिल्कुल कोई कच्ची दीवार नहीं, कुछ नहीं, पन्नी में है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे, अगर अल्लाह मुझे ताकत देगा तो मैं ऐसे लोगों का ध्यान करूँगा। कम से कम आपके जहन में, दिल में ये ख्याल है। अच्छा, मैंने खुद देखा है यहाँ की जो मुख्य मार्ग है, सड़क है, वो टूटी हुई है। गांव के अंदर इतना बड़ा गांव है, जो किठोड़ की राजनीति है इन्हीं गांवों से निकल कर आती है। यहाँ स्ट्रीट नेट लाइट नहीं दिखाई देती है और तमाम अव्यवस्था फैली हुई है। पहले भी हमारी टीम ने यहाँ निरीक्षण किया, खुद पहुँचे थे, और यहाँ की जो वर्तमान की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। ऐसे में सबसे पहले आपने बताया विकास के काम करेंगे आप, लेकिन यहाँ स्ट्रीट लाइट हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, खड़ंजे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ और होना चाहिए? बिजली की व्यवस्था कैसी है यहाँ? बिजली की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तार जल जाने में बदले गए, केबिल बदलवा दिए, और मंत्री के जाने के बाद में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विराम लग गया। जब तक मंत्री जी, उन्होंने विकास कराया इस गाँव का, चारों तरफ की सड़क बनवाई, उसके बाद कोई सड़क की मरम्मत नहीं। तुम आए हो, सड़क सारी टूटी पड़ी है, उनके सामने मरम्मत हुई थी इसकी, उसके बाद में कोई चार ईंट किसी ने नहीं लगवाई। ये ऐसा आखिर क्यों है कि कहाँ ये गांव जो वंचित रह गए, विकास कार्य नहीं हो पाए? वर्तमान में यहाँ कौन थे जिला पंचायत सदस्य, कौन थे विधायक, कौन है, आखिर काम क्यों नहीं? जिला पंचायत यहाँ जीतू थे, नवीपुर के यहाँ लड़के जीतू, वे बचपा से थे, अब शायद भाजपा का समर्थन करा उन्होंने, उनके अपना मुख्य मार्ग का गाँव खराब पड़ा बिल्कुल। और हमारे गाँव में जेई में पचपेटे में एक रुपये का विकास नहीं करा किसी ने, कोई विकास नहीं। हाँ जी, ये कैसे वंचित रह गए आपके गांव, आखिर क्या वजह मानते हैं आप? मैं इन गांवों को तो अपने मानते नहीं बिल्कुल भी, एक्टिवली बिल्कुल भी, इनमें तो कभी विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका तो विकास हाँ, तीन फेरी हो गया, पता है तुम्हें, तीन बार विकास हुआ। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ प्रधान भी रहे वर्तमान में, और दूसरी पार्टी के यहाँ प्रधान है जो समर्थित है। अच्छा, आपको ग्राउंड जीरो पर क्या लगता है, क्या काम अभी बचे हैं? आपने पहले भी शिकायत की थी, मीडिया पहुंची थी, क्या लगता है आपको क्या काम बचे हैं, क्या होने चाहिए जो आपके भाई करना चाहते हैं? ग्राउंड जीरो पर आपने देखा होगा यहाँ गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था कैसा, गांव गंदगी से हटा पड़ा है, सारा गांव गंदगी से हटा पड़ा है। और यहाँ जो पात्र लोग हैं जिनकी पेंशन हमारे टाइम में, हमने 622 समाजवादी पेंशन यहाँ महिलाओं को दिलवाई, वे 622 में एक पेंशन नहीं रही, सब पेंशन जो है इन्होंने रुकवा दी। गाँव का मुख्य मार्ग आपने देखा होगा हमारे रहते हुए, हमने पंचवर्षीय योजना में 3 बार उसकी मरम्मत कराई, और ये अपनी पूरी पंचवर्षीय योजना खत्म होगी, बिल्कुल मरम्मत नहीं करा पाए। गाँव का बाईपास है, दूसरी आबादी है, गंदगी के पानी से हटी पड़ी है, तीन तीन चार चार फुट पानी खड़ा, पूरे 5 साल गुजर गए, ग्राम प्रधान कुछ प्रयास नहीं करा विकास के नाम पे, जीरो है, और सारा राम मार्ग खराब पड़ा। उसके लिए भी हमने मेहनत करी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दिया, उस पर भी हम एक दो दिन में काम शुरू कराने जा रहे हैं। और गाँव के जितने हमारे संपर्क मार्ग थे, हमने अपने रहते हुए इतना पैसा एक विधायक को पूरी विधायक निधि में पंचवर्षीय योजना में नहीं मिलता, जितना पैसा हमने ग्राम नंगला साहू के जितने संपर्क मार्ग है, चाहे आप हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद से रुकनपुर ले लो, चाहे रुकनपुर से मोरना ले लो, चाहे शहजादपुर संपर्क मार्ग लो, चाहे लालपुर संपर्क मार्ग लो, चाहे नबीपुर शहजादपुर संपर्क मार्ग लो, कोई मार्ग ऐसा नहीं था जो हमारे यहाँ झज्जर कच्चे और बहुत ही खराब हालत थी। लोगों को जो है बुग्गी निकालनी, गन्ने किसानों की परेशानी थी, गन्ने की तमाम परेशानी आई, लोग गन्ना नहीं निकाल पाते थे, बड़ी दिक्कत थी। हमने वे सब मार्ग बनवाए, कोई मार्ग नहीं छोटा। हमने करीब 11-12 करोड़ रुपए अपने गांव के आसपास लगवाया, जो एक विधायक को पूरी पंचवर्षीय योजना में नहीं मिल पाता। और जैसे ही हमारी सरकार गई, हम चुनाव हार गए, उसके बाद गांव की हालात आप देख लो, नाले गंदगियों से हटे पड़े हैं, नाली हटी पड़ी है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, किसी की पेंशन नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई कैंप यहाँ नहीं लगवाया गया, स्वास्थ्य की तमाम परेशानी लोगों के सामने है, उसमें किसी की कोई मदद नहीं की गई, एक इंदिरा आवास नहीं बनाया गया, पूरी पंचवर्षीय योजना चलेगी, एक इंदिरा आवास हमारे गाँव में नहीं बना पूरी पंच। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो ग्राम प्रधान की निधि होती है वो कितनी होती है, और जो जिला पंचायत सदस्य की होती है वो कितनी होती है, क्या पर्याप्त तो नहीं है इतना पैसा गांवों के विकास के लिए? ग्राम प्रधान को इस बार जो योजना मिली है, आप तो मीडिया चैनल से चुने हुए, आप सब जानते हैं कि इस बार जो है सरकार ने जो इससे पहले ग्राम प्रधानों को पैसा मिलता था उसको जो है इस बार 175 गुना बढ़ाया, मतलब जिसकी पहले ग्राम प्रधानों को 1 लाख रुपये मिलते थे उसे 7.5 लाख रुपये कर दिए हुए, और वे अब हमारे यहाँ जो पिछली पंचवर्षीय योजना में 1 वर्ष में मिलते थे 6,22,000 रुपये, इस बार वे हुए 32-33 लाख रुपये। तो इसका मतलब जो हमारी पूरी, हमने 20 साल का कार्यकाल रहा हमारा, 20 साल के कार्यकाल में जो हमें पैसा नहीं मिल पाया ना 5 साल में मिला, उसके बावजूद भी इनका कार्य वो देख लो, हमारा देख लो, एक हमारी पंचवर्षीय योजना की तुलना कर लो, इनके हिसाब से तो 100 साल में भी ये पूर्ति नहीं कर पाने के जितना हमने अपने 1-5 साल के कार्यकाल में यहाँ पैसा लगवाया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है
कि मैं पूरा इलाका देख के आया हूँ, तमाम लोगों के नेताओं के होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। आप ऐसे एक मुझे प्रत्याशी दिखाई दिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन होर्डिंग पोस्टर नहीं है, गायब है, ऐसा क्यों? मैं तो लोगों के दिलों पर राज करने वाला हूँ, होर्डिंग पोस्टर वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो लोगों के दिलों पर राज करने वाला आदमी हूँ। जनता के बीच में रहकर जनता से वोट मांग रहा हूँ। होर्डिंग पोस्टिंग तो एक आए थे हम लोग नागर जी, कोई पेड़ नहीं छोड़ रहा, कोई खंबा नहीं छोड़ रहा, और कुछ लोगों का ये होर्डिंग का काम है, वहाँ तो वोट गिने जाएंगे, होर्डिंग थोड़ी गिने जाएंगे। तो ये बड़ी बात है और ये अच्छी बात भी है, जिस तरीके से तमाम जो नेता है वो एडवर्टाइजमेंट पे होर्डिंग पोस्टर पे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जो चुने हुए नेता चुनिंदा नेता होते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में इस वार्ड से जो सपा समर्थित प्रत्याशी हैं उनका भी यही मानना है, हालांकि इन्होंने तमाम जो विकास कार्य होने चाहिए उनको बताया और जो यहाँ नहीं हो पाया है उसको भी बताया। अपने सहयोगी सलमान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।